खबर, आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में आगामी मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराने को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स के साथ आजमगढ़ जिले की पुलिस सुरक्षा की तैयारियों में जुट गई है और आज इसका नजारा मुबारकपुर की सड़कों पर उस वक्त दिखा जब पुलिस व आरएएफ ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। साथ ही आम जनता से शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन करने की अपील की गई। दरअसल आगामी मुहर्रम के मद्देनजर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुबारकपुर पुलिस एवं रैपिड एक्शन फोर्स ने पूरे कस्बे में फ्लैग मार्च किया। ये फ्लैग मार्च शाह मोहम्मदपुर, पूरा दीवान, पूरा सोफी, बड़ी अर्जेंटी, रोडवेज क्षेत्र में किया गया। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुबारकपुर थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने क्या कहा, ये आप भी सुनिए। फ्लैग मार्च का उद्देश्य नगर में शांति व्यवस्था स्थापित रहे, आगामी त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आरएएफ की एक कंपनी जवान यहां आए थे। कस्बा चौकी की पुलिस, थाने की पुलिस, संयुक्त रूप से पूरे कस्बे का भ्रमण किया गया, लोगों को कोविड-19 से जागरूक भी किया गया, साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो मंत्र 2 गज की दूरी और मास्क धारण करने के बारे में गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का, आयुष मंत्रालय का जो गाइडलाइंस है उसको पूर्ण रूप से पालन करने के लिए जनता से अपील की गई और आगामी त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए ये फ्लैग मार्च कस्बे में किया गया। यह निरंतर किया जाता रहेगा ताकि शांति व्यवस्था स्थापित रहेगा।